हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टारबर्ड एडू पॉइंट। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन को, जिसके लिए मैंने कुछ आयरन नेल्स ली है और ऑब्वियसली मैग्नेट तो चाहिए होगा। तो ये मैग्नेट है, ये मैंने लिया है व्हीट फ्लोर, जिसमें मैं मिक्सचर बनाऊंगी आयरन नेल का और व्हीट का। और ये कुछ है पिस्ता के सेल्स, जिसमें ये है पिस्ता सेल, इनको भी हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो आयरन नेल्स को इसमें ऐसे मिक्स कर देंगे और फिर देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है इसमें से आयरन नेल्स को कैसे सेपरेट करते हैं मैग्नेट के थ्रू। तो क्या करेंगे, मैग्नेट को इसको ऊपर इस तरह से मूव करेंगे और ये देखिए इस तरह से आपके आयरन नेल्स इसमें आ गए हैं, चिपक गए हैं। इनको हटा लीजिए, फिर से मूव करिए, ये देखिए ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। जब आप मैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मिक्सचर में इसे सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि हम इसमें मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। यहां पर आयरन नेल्स आप देख रहे हैं कि इतने बड़े हैं, जिनको हम व्हीट फ्लोर में से इस मिक्सचर में से आराम से हैंड पिकिंग के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आयरन फिलिंग्स जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, वो अगर आपके व्हीट फ्लोर में मिक्स हो जाए तो आप उनको हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इनको मैग्नेट से सेपरेट करना ज्यादा अच्छा है, इजीली और बहुत ही कम टाइम में आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये सेम एक्टिविटी हम पिस्ता सेल के साथ करेंगे, यानी कि मिक्सचर होगा पिस्ता सेल और आयरन नेल्स का। तो देख लेते हैं इसमें कैसे ये वर्क करता है। सेम आपको करना क्या है, इसके ऊपर से इस तरह से मूव करना है और ये आपका इस तरह से सेपरेट करते जाइए। ठीक है, मूव करिए और सेपरेट करते हैं। देखिए ये क्या है, आप देख सकते हैं कि ये इतने दूर तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेल्स एक के बाद एक इस तरह से एक चेन के रूप में आ गए हैं, यानी कि ये भी दर्शाता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां तक वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इनको आप ऐसे सेपरेट करते जाइए, बस आपका मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, डू सब्सक्राइब स्टारबर्ड एडू पॉइंट टू गेट सच मोर वीडियोज। Thanks for watching.